जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुयाडी श्यामनगर निवासी इन दिनों क्षेत्र में चल रहे पार्लर से परेशान है। क्षेत्र के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। क्षेत्र के निवासी इस समस्या के निदान की मांग को लेकर मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। बस्ती वासियों के अनुसार महिला के द्वारा पार्लर का संचालन किया जाता है और उनके पति भी इस कार्य में उनका साथ देते हैं। अपने घर पर ही वे पार्लर का संचालन करते हैं और लॉकडाउन की पूरी अवधि में वहां पार्लर संचालन किया गया जो अब तक जारी है। बस्ती वासियों ने कहा कि उनके घर के सामने के पूरे सड़क को वाहनों का पार्किंग बनाया गया है और जब बस्ती वासी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है और कुछ बस्ती वासियों के साथ ऐसा हो भी चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेते हुए उक्त पार्लर को बंद करवाने की अपील की है। बच्चा लोग खेल रहा, वो लोग निकाल के बच्चा लोग का गाली गलौज दे रहा। बच्चा लोग कहेगा तो यहाँ हल्ला गुलौज नहीं करेगा, ये करेगा तो हम लोग सब खड़ा है। हम लोग बोलने लगे जी अब ऐसे क्या करें, पूजा हो रहा है, बच्चा लोग खेलेगा। तो बाप बेटा दोनों मिल के डंडा लेकर निकल के मारना चालू कर दिया हम लोग। हाँ, आज थाना में झुलमुल कर देखा, हमारा घर में घुस के मारा। CCTV कैमरा वो लोग जो निकला ना उधर बंद कर दिया, आज इधर में मार हो रहा उधर में चालू किया, हम लोग जब मार कर रहा ये सब हमेशा ये लोग करते रहता। वो तो बोलते हम चुस्को का ठेकेदार है, दबंग आदमी है, ह्यूमनस का आदमी है। उसका मिसेस का ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर लॉकडाउन में दुनिया ब्यूटी पार्लर बंद है, उसका ब्यूटी पार्लर खुला है। अब ब्यूटी पार्लर में जेंट्स जा रहा है कि लेडीज जा रहा हो, भगवान जाने और रोजाने है ना, ये सब काम घर में काम होता रहा ब्यूटी पार्लर श्यामनगर भुयाडी का। इसका पहले मार्च महीने में भी हम लोग का साथ ऐसे हुआ था। क्या हुआ था, 10 फुट का रोड है, वो लोग 7 फुट रोड गाड़ करके गाड़ी क्रॉस करके रख देगा। चार तरह बिल्डिंग बनाया, भाड़ा दिया, भाड़ादार का गाड़ी, अपना गाड़ी, ब्यूटी पार्लर का गाड़ी, सब मिल के रोड जाम कर देता। गाड़ी वाला पेशेंट कोई आ गया तो गाड़ी घूम नहीं सकता, पेशेंट को कुछ में बैठा के हम लोग ले जाना पड़ता गाड़ी तक, उसका रोड जाम कर लिया। और ये झगड़ा अभी नहीं, 3 महीना पहले से चल रहा है। वो अपना घर में 4 तल्ला बना लिए लेकिन भाड़ेदार दी हुई है, कोई गाड़ी रखने का व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि पार्लर चला दिए, पार्लर के कस्टमर का भी गाड़ी, हम लोग को गाड़ी ले आने ले जाने में दिक्कत होता है। उनको कुछ बोलने जाए तो गाली गलौज भी उतर आती है, कुछ ज्यादा बोलने जाए तो बोलती है कि हम लोग ह्यूमन राइट्स का लोग है, पुलिस मेरे हाथ में है, हम लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता है, अब तुम लोगों का आदमी लोगों को फंसा देंगे। और सही में कपड़ा फाड़ के एक बार तो थाना पे भी जा चुकी है। झूठ मूठ का मैंने मेरे पड़ोसी एक जन, दो जन को झूठा मुकदमे में फंसा चुकी है। पार्लर कार में 2 नंबर ही काम चलता है, लेडीज का नाम है चंदा चंदा और उनके हस्बैंड का नाम है अभिजीत चंदा, उनकी बेटी का नाम है शिल्पी चंदा और बेटा का नाम है सुबोधित चंदा। वो पूरा बस्ती परेशान है लेकिन उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। कभी मैंने यहाँ तक कि 1 जनवरी के दिन हम दूध लाने जा रहे थे सुबह, उनके हस्बैंड इतना छत पर कपड़ा सूखा, उसका भी हम मैंने कंप्लेन हम थाना में कर चुके हैं। आपके साथ मारपीट कब हुई? मेरे साथ मारपीट मेरे साथ नहीं, पूरा मोहल्ला के साथ। सरस्वती पूजा के दिन आपका पूजा नहीं करने देंगे, झूठ झूठ का कंप्लेन कर दे, जिसको हम लोग हम उसी का न्याय चाहते हैं कि आए दिन उन लोगों के लिए हम लोगों को जो परेशानियां झेलना है।